नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान भामाशाह कार्ड योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। जो आपका भामाशाह कार्ड है बंद होने वाला है और इसके जगह जन आधार कार्ड बनने वाला है। तो हम देखते हैं कौन कौन इस योजना का फ़ायदा ले सकता है और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। इसके दो रीज़न है एजुकेशनल चैनल पर बनाने का। तो एक रीज़न ये है कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उनके अंदर ये सवाल पूछा जाएगा कि जो आपके भामाशाह कार्ड योजना का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जन आधार कार्ड। और इस भामाशाह योजना को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत योजना के अंदर। तो हम देख लेते हैं जो ये न्यूज़ आ रखी है, जो आपका भामाशाह कार्ड बंद होने वाला है और इसकी जगह जो जन आधार कार्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान का भामाशाह कार्ड है तो जल्दी ये बंद हो जाएगा और इसके जगह जो जन आधार कार्ड बनेगा, तो इसी की न्यूज़ आ रखी है, आप सभी देख सकते हैं। और आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दूसरा रीज़न ये है वीडियो बनाने का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इस योजना का लाभ पहुँच सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भामाशाह के पैकेज पर ही चलेगी योजना, जुड़ेंगे आयुष्मान के पात्र परिवार। और कौन कौन से परिवार है जो आयुष्मान योजना से जुड़ सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं भामाशाह कार्ड की जगह अब बनेगा जन आधार कार्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं उनके अंदर आने वाले एग्जाम्स के अंदर। जो भामाशाह कार्ड योजना का नाम बदल कर आपका जन आधार कार्ड हो गया है। एंड जो दूसरा रीज़न क्वेश्चन ये आएगा आपका कि जो भामाशाह योजना को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत योजना के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में 1 सितंबर से शुरू हो रही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत में भामाशाह बीमा योजना की तर्ज पर ही चलेगी। इस दौरान 12 दिसंबर तक भामाशाह बीमा योजना में पहले से पात्रधारियों को तो योजना का पैकेज पहले की तरह मिलता रहेगा। साथ ही उस लाभ में से उसी पैकेज पर आयुष्मान बीमा योजना के पात्रधारी परिवार भी जुड़ जाएंगे और इन्हें भी इस दौरान भामाशाह जितने ही पैकेज दिए जाएंगे। भामाशाह में इस समय साधारण बीमारियों के लिए सालाना 30,000 एंड जो गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपए का उपचार दिया जाता है। इसके साथ ही अब भामाशाह कार्ड को ख़त्म कर अब जन आधार कार्ड दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो आपके वसुंधरा राज्य वाली फोटो वाला ग्रीन कलर का भामाशाह कार्ड है, इसको बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके जगह जन आधार कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं। एंड जो आयुष्मान भारत योजना के अंदर कौन कौन पात्र है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना है जो भारत सरकार की योजना है, इसके अंदर पात्र कौन कौन है, आप पात्र है या अपात्र कैसे आप जान सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत बीमा योजना में वे ही पात्र है जो वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, यानी जो BPL अंत्योदय SBPL है वही इसके अंदर रहेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी व्यक्ति PMY की जो वेबसाइट है PMY.gov.in, इस पर जाकर आप अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर 2011 में जनगणना के समय दिए गए अन्य किसी नंबर के आधार पर आप अपनी सूची में नाम देख सकते हैं, ठीक है। जो ये अगर आप जो आयुष्मान भारत बीमा योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपको गरीबी रेखा से नीचे जो आपकी जाति जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये आपको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। एंड जो भामाशाह योजना रहेगी उसके अंदर सभी परिवारों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा, यानी BPL वालों को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। एंड जो 13 दिसंबर से आयुष्मान जैसा लाभ संभव, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिसंबर को भामाशाह बीमा की सालाना अवधि पूरी होती है और माना जा रहा है कि 13 दिसंबर से भामाशाह पात्रधारियों को भी आयुष्मान बीमा योजना की तरह ही 5 लाख रुपए का उपचार दिया जाएगा। तो आप 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में करवा सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और ये भी जाने आप देख सकते हैं भामाशाह बीमा योजना की तरह ही कैशलेस बीमा की सुविधा मिलेगी, जो आपका जन आधार कार्ड रहेगा उसके अंदर। एंड जो सरकारी व गैर सरकारी दोनों तरह के ही चिन्हित अस्पतालों में आपको उपचार मिल सकेगा और जन आधार कार्ड से संबंधित पूरे परिवार को सदस्य को ये लाभ मिलेगा। तो आप सभी ये देख सकते हैं भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड बनेगा और इसको जो आयुष्मान भारत योजना के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। एंड जो आयुष्मान योजना के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हीं व्यक्तियों एंड जो रहेंगे उन्हीं को ही इसमें पात्र किया जाएगा। और ये सूचना PMY.gov.in पर देख सकते हैं,
ठीक है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी को ये जानकारी देनी थी, इसके दो रीज़न मैं आप सभी को बता चुका हूँ वीडियो मैंने किस लिए बनाया है। तो एक तो दो तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जो करंट अफेयर से संबंधित है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो भामाशाह कार्ड को कब जन आधार कार्ड में किस साल परिवर्तित किया गया था, तो दिसंबर 2019 के अंदर ये आपका हो जाएगा। और सितंबर से जो राजस्थान के अंदर आयुष्मान कार्ड योजना लागू की गई थी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके बनते हैं, एंड जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाना ज़रूरी रहता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। तो बताइएगा आपको ये योजना कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।